उधर गाजियाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक कवि नगर थाना क्षेत्र के आरडीसी फ्लाईओवर के पास विधायक प्रतिनिधि लिखी एक कार सवार ने सड़क के बीच बैठे एक युवक को रौंद दिया। इस दौरान युवक गाड़ी के नीचे फंसा रहा और आरोपी उसे कई मीटर तक यूं ही घसीटते लेते चले गए। घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। तस्वीर आप देखिए गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर प्रतिनिधि लिखा हुआ है और दूसरी तरफ तस्वीरें यह है कि इस गाड़ी के नीचे एक युवक आ जाता है और उसे रौंदते हुए ये जो कार सवार है कई मीटर तक आगे बढ़ता चला जाता है। आप देखिए कि बीच सड़क ये युवक बैठा हुआ था और ये जो कार सवार है इस तरीके से बेधड़क होकर गाड़ी चलाता चला जाता है कि उसके सामने से वो एक युवक के ऊपर ही अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और उसे कुछ सेकंड के लिए अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसकी गाड़ी के नीचे है। आप समझिए कि किस तरीके से ये शख्स जो है बेसुध होकर गाड़ी चला रहा था, किसे ये तक नहीं पता चला कि उसके गाड़ी के सामने एक शख्स बैठा हुआ है और इसे रौंदते हुए कई मीटर आगे बढ़ जाता है। अब देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। तो हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इस पूरे मामले में ये जो शख्स है इस पर गैर इरादतन हत्या के केस में इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप, गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हृदय विदारक है। सड़क हादसे का यह दर्दनाक वीडियो। अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि ये जो शख्स है इसके गाड़ी के पीछे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का लेबल लगा हुआ है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो शख्स है इसका जो नाता है वो बीजेपी के दिग्गजों से भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो कि सड़क पर बैठे हैं उनको एक कार द्वारा टक्कर मारी गई है, दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो ये थाना क्षेत्र कबीरनगर से संबंधित है, जिसके संबंध में थाना कबीरनगर पर पुलिस की ओर से गैर इरादतन हत्या के धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं की जा सकी है। आरोपी युवक जो कि वाहन को चला रहे थे तथा वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित।